रहा हूँ तो मैं हाथ से ही समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सिंपल सा पेन है, कोई स्पेशल पेन नहीं लिया मैंने, और मैं ये ट्रीटमेंट शुरू करने लगा हूँ। मैं आपका ट्रीटमेंट अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखिएगा ये नॉर्मल पेन है, कोई एक्सपर्ट पेन या एक्सपर्ट कोई औजार नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो हम घर पे बैठे हुए होने वाले इलाज की क्लास दे रहे हैं। ये सिंपल है, ये आउटलाइन है, इसके ऊपर मैं केवल पेन चला रहा हूँ। हंड्रेड परसेंट सेफ है, बट नो पेन नो गेन। मेरे भाई को जो पेन होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब ये खुद करेंगे तो इतनी पेन नहीं होगी। अगर हम ट्रीटमेंट के टाइम पे रिंग ना पहनी हो थोड़ा बेटर रहता है, उतार लीजिए ताकि आपको इसका और बेनिफिट मिल सके जी। अगर ये मेरे पास औजार नहीं है तो बिना औजार के करने का तरीका ये देखिए। हालांकि हर चीज़ के औजार या हर चीज़ हमारे को इजीली अवेलेबल होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और सबसे सेफ, इस वर्ड की सेफेस्ट रेमेडी है, सेफेस्ट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पिछले कई हज़ार सालों से ये पैथी चल रही है और आज तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को अभी तक सामने नहीं आया। आगे का पता नहीं, अगर किसी को मिले तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं भी लोगों को गाइड करूं। आज तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया अभी तक। आप झेल पा रहे हैं, जब ये मैं इससे करूँगा थोड़ा सा बंदा झेल नहीं पाता है। ये देखिए, मैं ऐसे कर करके जान के दिखाने के लिए किया है। 2 से 5 मिनट हर पॉइंट को मिनिमम आपने चलाना है। इसके बाद ये देखेंगे आप, ये बाहर की जगह, और कितना सिंपल है। आप अगर अपना हाथ खुद दबाना चाहें, आप खुद दबाइएगा मेरे भैया। ये देखिए खड़ा अंगूठा, ये देखिए, इलाज वो है जो हम खुद भी कर सकें, वो इलाज नहीं है जो सिर्फ कोई और हमारी हेल्प करके कर सके। ठीक है जी, ये देखिए, अब मैं करूँगा, दर्द ज़्यादा होगी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा समा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होता है। आप हर पॉइंट को मिनिमम 50 टाइम, जैसे यहीं पे दबा रहे हैं तो मिनिमम 50 टाइम और मैक्सिमम 500 टाइम तक दबा सकते हैं हर पर्टिकुलर पॉइंट के पास। यहाँ पर 5-6 पॉइंट हैं और हम देखिए, मेरा अंगूठा आगे से पीछे हो रहा है। इसके बाद हमारे हाथ की ये क्रीज से 3 फिंगर अबव, ये इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। 2 से 3 बारी कम से कम ये करना है, मैक्सिमम 20 टाइम। करीब करीब 1 से 2 मिनट में इनका एक हाथ ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले मैंने जहाँ छोड़ा या पहले मैंने जहाँ से शुरू किया वहीं से शुरू करूँ। अब मैं हाथ से करके दिखा रहा हूँ तो मैं हाथ से ही समझाना चाह रहा हूँ। हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। आप लोग जितना कम, जितना ज़्यादा जो आप बर्दाश्त कर सकें उतना दे सकते हैं। इनसे इनकी जो स्पाइन है, अभी ये खुद आपको जवाब देंगे तो बेटर रहेगा, फ़र्क पता चल जाएगा आपको। हर ट्रीटमेंट को करने के लिए औजार कुछ ना कुछ बने होते हैं, इसके लिए भी औजार बने हुए हैं। मैं अभी औजारों से भी कर करके दिखा दूंगा आपको, काम वही होगा। ये करीब करीब हाथ का इनका ट्रीटमेंट जो उनका था कंप्लीट हो गया। 2 से 5 मिनट मेरे से, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो यही काम 21 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ का ये चार्ट हमारे वहाँ पे अवेलेबल है। अब आप सामने की तरफ से तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो बीच की फिंगर है इसकी जड़ से एक उंगली नीचे, यहाँ पर हमने इसे जैसे नींबू निचोड़ा जाता है ये तरीका है। ये देखिए, मैं दोनों को पढ़ लिया, एट ए टाइम पकड़ लिया और ये मैं दबा रहा हूँ। ये इसको हमारी लैंग्वेज में मैजिक पॉइंट कहा जाता है। अब मैं ये साइड से इनकी दोनों फिंगर दबा रहा हूँ, ये फिर मैं वहीं आ गया। इसके बाद इन फर्स्ट थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में, टो और फिंगर के बीच में, सॉरी, ये आपने देखा मैंने 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी पॉइंट को नहीं दबाया है।
सिर्फ 10 सेकंड में ही मैं दबा करके रखे और आपके सामने इनके पसीने छूट चुके हैं। ये जो पसीना छूटा है ये सब इनकी नसों के खुलने के कारण है, जो आपकी नसें खुली हैं उससे ही ये हुआ है जी। ये क्रीज अगर आपके हाथों में ताकत नहीं है तो आप इंस्ट्रूमेंट के नाम पर पेन पेंसिल, जो नटराज की एक्सोकॉन पेंसिल आती है उसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मल ये पेन एक आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ इसी जगह पर, ये देखिए। अब इधर आप थोड़ा सा एक बार गौर करिएगा, ये देखिए ये हल्की सी ये स्वेलिंग है, गिट्टे से थोड़ा सा दो फिंगर आगे ये स्वेलिंग है। ये हमारा एक स्पाइन का स्पेशल पॉइंट है, आपको कुछ और नहीं भी आता तो केवल ये इस जो लास्ट की दो फिंगर है इसकी बिल्कुल सेंटर में हड्डी के पीछे की तरफ होता है, गिट्टे से दो इंच आगे की तरफ। ये लोकेशन इसकी यही है, सबका पाँव किसी का भी हो। जो मैंने इनकी जो स्टडी की, इनके जो बम के ऊपर दर्द है जिसको L4 L5 की इनकी दिक्कत है, उसके कारण इनके पाँव में और पीछे जहां पर्स रखा जाता है उसमें दर्द आती होगी। अभी आप इन भाई साहब से पूछ लेना, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने तक इनकी ये दर्द ठीक हो जाएगी जी। ये देखिएगा, कोई भी पॉइंट कभी भी कैसे भी दबाया जा सकता है। ये वाला पॉइंट जो मैं आप दबा रहा हूँ इसको लास्ट में ही दबाना है, इसकी लोकेशन बहुत ध्यान से समझ लेना। आउटर क्रीज और इस एंकल का जो हड्डी है, गिट्टा जो इसका सबसे उभरा हुआ पार्ट है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में 4 से 6 इंच की जगह में आप ज़ोर ज़ोर से तेल की मालिश भी अगर करते हैं तो आप इससे ठीक हो जाएंगे। ये मैं पॉइंट दबाया, दूसरा पैर, बस फिनिशिंग में यही है, आउटर क्रीज और गिट्टे के बिल्कुल सेंटर में। बेटर, यहां तक तो वो काम है जो आप घर बैठे खुद अपने आप कर सकते हो। आप अपनी एडवाइस अपनी जो है, हाँ छोटा इसके अलावा एक छोटा सा काम अंदर का और है, लेकिन यहाँ का क्या आप अपने शरीर से संतुष्ट हो? ये मूवमेंट पहले था नहीं, कोविड के बाद से यहाँ पे इशू था मेरे को, स्टैंडिंग का काफी काम है, रिंग रोलर तीनों चीजें, मूवमेंट ना होने की वजह से मेरे तीनों चीजें पूरे दिन वर्किंग में काफी इशू आता है, तो अभी इसमें काफी फर्क है। अब ये होना है, वो सब जाने से जाने के चक्कर में ज्यादा फिर ज्यादा बंदा इतनी देर नहीं लगती मेरे को इतनी देर नहीं लगती, लेकिन आप ठीक हो जाओगे। अब घड़ी ले ली अपनी, एडी कोनी करके मैंने दियो फाइनल, खुला दे दो खुला। डॉक्टर जसकीरत सिंह बजाज सेवा 24/7 की टीम की तरफ से आप सबको तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद जय भारत का सलाम करता हूँ।